ई रूपी हम छोटे जो हमारे किसान होते हैं जिनको मोबाइल के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, इंटरनेट के बारे में नहीं पता होता है या मोबाइल बैंकिंग नहीं चला पाते हैं, तो सरकार उनके लिए ये बहुत ही अच्छी स्कीम लेके आई है। इसके थ्रू गवर्नमेंट सीधे किसान और बुजुर्गों के खाते में पैसा पहुंचा सकती है। अभी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप और XYZ प्रदीप चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक सुविधा लॉन्च की थी हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कि किसान हैं और बुजुर्ग हैं जो इंटरनेट और UPI या ATM कार्ड्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो उनको आसान तरीके से गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो सुविधाएं हैं वो डायरेक्ट छोटे फ़ोन के थ्रू किसानों और बुज़ुर्गों को कैसे मुहैया कराई जाए। तो उन्होंने NHA और DFS यानी कि जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस दोनों के समर्थन से कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट सिस्टम एक लॉन्च किया था जिसका नाम दिया गया था ई रूपी, जिस NFCI ने लॉन्च किया था यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 2 अगस्त 2021 में DFS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल फिनेंशियल सर्विस और दूसरा जो NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन इन दोनों के समर्थन से ई रूपी ई रूपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि जो हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है और DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस दोनों के समर्थन से कोविड पीरियड में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट को देखते हुए इन्होंने एक ई रूपी यानी कि जो हम पहले UPI यूज़ करते थे उसी में सिर्फ इन्होंने ER यानी कि ER को ऐड करके एक सुविधा ई रूपी स्टार्ट किया, जिसका उद्देश्य था, जिसका समझ लीजिए काम क्या था इसका। इसका काम ये है, अगर आपके पास छोटा फ़ोन भी है, आपके पास अगर बटन वाला फ़ोन है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार को कोई सुविधा मुहैया करानी होती है, तो अगर वो कि कोई चीज़ अगर आपको खाद उसको यूरिया देना है तो क्या होता है, अगर डायरेक्ट यूरिया आप किसान तक पहुंचाएगा तो बीच ही में वो गायब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया, ई रूपी के थ्रू अगर किसान के पास छोटा फ़ोन भी है तो उसके फ़ोन में SMS के थ्रू एक यूनिक कोड भेजा जाता है। अब उस यूनिक कोड में सिर्फ किसान की जो जानकारी होती है और अमाउंट का वो उस यूनिक कोड में स्टोर करके दिया जाता है और यूरिया की दुकान पे भी वो यूनिक कोड भेज दिया जाता है। अब क्या होता है, अगर किसान को जब यूरिया ख़रीदना है तो वो अपना फ़ोन सिर्फ यूरिया की दुकान पे लेके जाएगा और वो उनको SMS में यूनिक कोड आया था उस यूनिक कोड को देकर वो आसानी से यूरिया ले सकता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि क्या हम उस यूनिक कोड से बैंक में भी जाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या कोई दूसरी चीज़ भी खरीद सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे SMS आएगा तो 1-2 हज़ार का आया तो 1 हज़ार का हम यूरिया ख़रीद लेंगे और 1 हज़ार का हम
पार्टी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कोड आपका सिर्फ उसी दुकान में काम करेगा जिसमें जिसके लिए आपको दिया गया हो। अगर आपको मेडिकल के लिए दिया गया है तो वो मेडिकल पर ही यूज होगा। अगर आपको कपड़ों के लिए दिया गया है तो वो सिर्फ कपड़े ही खरीद सकते हैं, आप उसमें और कुछ खरीद नहीं सकते। वो आपको अगर छोटा फ़ोन है तो SMS के थ्रू आएगा, और अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें बारकोड आपको दिया जाएगा। अब बारकोड आपको आ गया, आपको 3,000 रुपये का बारकोड दिया गया कि 3,000 तक आप इलाज करवा सकते हैं, तो आप मेडिकल पर जाएंगे, आपको 3,000 की दवाई मिल जाएगी। लेकिन आप उसमें चालाकी करेंगे ना कि हम नहीं 1,000 की दवा ले लें, 2,000 उनसे दूसरे दुकान पे जाकर निकाल लें और खर्च कर लें, तो ऐसा नहीं है। जो बारकोड और यूनिक कोड जनरेट किया जाता है उसको उसी हिसाब से बनाया जाता है कि सिर्फ आप उसी वर्क के लिए उसको यूज कर सकें। तो ये ई रूपी का वर्क था। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ई रूपी सर्विस क्या है। ई रूपी का मेन काम आपके आप तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सुविधाएं होती हैं वो आसान तरीके से किसानों तक पहुंचाने का एक जरिया है, और इसमें सिक्योरिटी भी अच्छी खासी होती है। इसको कोई दूसरा यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी हम बारकोड स्कैन करते हैं तो उसमें आपको एक OTP वन टाइम पासवर्ड बनाया गया है, विदाउट OTP के वो अप्रूव नहीं होगा। ये बिल्कुल कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट होता है और सेफ पेमेंट होता है। UPI में क्या होता है, UPI जो इंटरनेट के बारे में जानता है या जिसके पास स्मार्टफोन होता है वही यूज कर सकता है। लेकिन जैसे इस समय वर्तमान में देखा जाए कुछ लोगों के ई श्रम कार्ड बने हुए हैं, तो ई श्रम कार्ड में क्या होता है, ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे आपकी आधार की डिटेल्स ली जाती हैं, और उसमें जो NFCI में रजिस्टर्ड यानी आपका अकाउंट जो आधार से लिंक होता है तो ऑटोमेटिक इसमें आपका अकाउंट सीड हो जाता है। लेकिन बहुत लोगों का अलग से भी अकाउंट सेव किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, DBT के थ्रू यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी जो ई श्रम का पैसा आता है वो DBT के थ्रू, ई श्रम हो या पेंशन हो या अदर कोई स्कीम हो, वो डायरेक्ट DBT के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र होता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। लेकिन ई रूपी में सिर्फ आपको एक बारकोड या फिर SMS के थ्रू आपके कीपैड फ़ोन में एक यूनिक नंबर सेंड किया जाता है, और आप उस यूनिक नंबर को जो उस मर्चेंट जो अप्रूव्ड हैं वहाँ पर जाकर आप उस यूनिक कोड के थ्रू आप कोई भी सामान ले सकते हैं जिसके लिए आपको वो यूनिक कोड दिया गया हो।